सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं, इस पोएम का नाम है टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स, और ये पैब्लो नेरुडा ने लिखा है। देखिए ये जो पोएम है इसे हम पोएम नंबर 20 कहते हैं। ये कलेक्शन का पार्ट है जिसका नाम है 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। अब ये जो कलेक्शन है वो 1924 में पब्लिश हुआ था। इसी का जो पोएम नंबर 20 है वो हमारे सामने है ना। पोएम का जो फर्स्ट लाइन है वो भी यही है, और इसमें बार बार ये रिपीट होता रहता है ना कि टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स। जो पोएट है वो बहुत दुखी है ना, अपने लवर के चले जाने से वो बहुत दुखी है, और हम पूरे पोएम में उनका जो ये दुख है वो देखेंगे है ना। तरह तरह से जो है एक लवर का दुख हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पोएट कहता है टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स, कि आज की रात मैं अपनी सबसे दुखद लाइन्स जो है वो बयां कर सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ। राइट फॉर एग्जाम्पल द नाइट इज स्टारी एंड द स्टार्स आर ब्लू एंड शिवर इन द डिस्टेंस, कि जो रात है, जो आसमान है, रात का आसमान, उसमें तारे हैं ना, उसमें तारे हैं, और वो जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, ब्लू कलर के हैं है ना, दूर वो टिमटिमा रहे हैं। शिवर मतलब शेक करना है ना, जब जब तारा कोई शेक करता है तो वो टिमटिमाता है। आगे चलते हैं। द नाइट विंड रिवॉल्व्स इन द स्काई एंड सिंग्स, और जो रात का ये हवा है ना, जो हवा बह रही है ये मानो रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है आकाश में और गाना गा रही है। देखिए जब हवा चलता है तो हमें ना हमें साउंड सुनाई देता है ना, साउंड सुनाई देता है, उसी साउंड को जो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जो हवा है वो गाना गा रही है। टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स, आई लव्ड हर एंड समटाइम्स शी लव मी टू। सो अब यहाँ पे जो है उनका लवर इंट्रोड्यूस हो गया। वो कहते हैं आई लव्ड हर, मैं उनसे प्यार करता था, और कभी कभी वो भी मुझसे प्यार करती थी है ना। थ्रू नाइट्स लाइक दिस वन आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स, आई किस्ड हर अगेन एंड अगेन अंडर द एंडलेस स्काई। तो इसी रात की तरह जो जो रात उन्होंने ऊपर बयां किया, जो रात उन्होंने ऊपर हमें मेंशन किया है ना, स्टारी स्काई, हवा चल रही है ना, उसी रात की तरह, इसी रात की तरह वो भी एक रात थी है ना। थ्रू नाइट्स लाइक दिस वन, ऐसे ही रातों में आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स, मैंने उन्हें अपने बाहों में पकड़ा था है ना, एम्ब्रेस किया था। आई किस्ड हर अगेन एंड अगेन अंडर द एंडलेस स्काई, और इस अंतहीन आकाश के नीचे मैंने उन्हें बार बार किस किया था है ना। सो ही इज़ रिमेंबरिंग ऑल दीज थिंग्स अबाउट हिज लवर, जो उनका पास्ट था, जो उनके पास्ट मोमेंट्स थे, ही इज़ रिमेंबरिंग दोज मोमेंट्स। शी लव मी एंड समटाइम्स आई लव्ड हर टू, हाउ कुड वन नॉट हैव लव्ड हर ग्रेट स्टिल आईज। तो वो कहते हैं वो मुझसे प्यार करती थी और कभी कभी मैं भी उससे उनसे प्यार करता था है ना। वो कहते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है, हाउ कुड वन नॉट हैव लव्ड हर ग्रेट स्टिल आईज, उनकी जो आईज़ है वो इतनी शांत थी, वो इतनी स्टिल थी, कोई कैसे उनके प्यार में ना पड़े, कोई कैसे उनसे प्यार ना कर बैठे है ना। टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स, टू थिंक दैट आई डू नॉट हैव हर, टू फील दैट आई हैव लॉस्ट हर है ना। ये सोचना कि वो अब मेरे पास नहीं है ना, और ये सोचना कि मैं उन्हें खो चुका हूँ है ना, दैट आई हैव लॉस्ट हर। अब जो हमारे पोएट है ये इसी ग्रीफ को बार बार रहना एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो उनका लवर है वो उनके पास नहीं है, वो उनके साथ नहीं है। टू हियर द इमेंस नाइट स्टिल मोर इमेंस विदाउट हर, और ये जो बड़ा रात, ये जो इमेंस मतलब बहुत बड़ा होता है ना, और जो बहुत बड़ा रात है वो उनके बिना और ज़्यादा बड़ा हो गया है ना। देखिए आप जब किसी ब्यूटीफुल पर्सन के साथ है ना, जो आपके पास आपके प्रेशियस हैं, ऐसे पर्सन के साथ होते हैं, तो जो समय है उसका पता नहीं चलता ना, सेकेंडों में बीत जाता है, वही उनके बिना जो समय है वो कटता ही नहीं, कटता ही नहीं। तो ये यही पे यहाँ पे यही बोला गया है कि जो टू हियर द इमेंस नाइट, इस जो ये इतना बड़ा रात है ना, इस पूरे रात में हम मैं यहाँ पे हूँ, स्टिल मोर इमेंस विदाउट हर, और ये उनके बिना, लवर के बिना और बड़ा लगता है ना, और ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे। एंड द वर्स फॉल्स टू द सोल लाइक ड्यू टू द पैस्चर। नोटिस कीजिए इससे पहले वाले जो लाइन में ना, वहाँ पे उन्होंने बोला था टू हियर द इमेंस नाइट है ना, कि जब आप रात को सुनो, रात में जो आवाज़ें हो रही है आप उनको सुनो। एंड द वर्स, वर्स का मतलब होता है गाना, और ये जो गाना है इट फॉल्स टू द सोल, ये दिल को छू जाती है ना, ये गाना दिल को छू जाती है, लाइक ड्यू टू द पैस्चर, जैसे पैस्चर के ऊपर है ना, घास के ऊपर जो ड्यू ड्रॉप है, सुबह का जो मॉर्निंग ड्यू होता है वो जिस तरह से वो गिरता है, उसी तरह हमारे दिल को जो है ये गाना, ये मोमेंट छू जाता है ना। वॉट डज इट मैटर दैट माई लव
कुड नॉट कीप हर, द नाइट इज स्टारी एंड शी इज़ नॉट विद मी। इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, वट डज़ इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो मेरा प्यार है वो उन्हें रख नहीं पाया, उन्हें रोक नहीं पाया, मतलब वो मेरे प्यार को समझ ना पाई और फिर भी चली गई, है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि जो मेरा 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 लवर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि मैं कितना प्यार करता हूँ उनसे। नाइट इज़ स्टारी एंड शी इज़ नॉट विद मी, है ना, बिकॉज रात अभी भी स्टारी है और वो मेरे साथ नहीं है ना। क्या फ़ायदा मेरे प्यार करने का या मेरा इतना प्यार उनकी तरफ होने का, जबकि जब वो मेरे साथ ही नहीं हो, है ना, ये बोला गया है। दिस इज़ ऑल इन द डिस्टेंस समवन इज़ सिंगिंग, इन द डिस्टेंस माई सोल इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैट इट हैज़ लॉस्ट हर। तो वो कहते हैं कि यही सब कुछ है, इतना ही पूरा व्याख्या है ना। और दूर कोई पर्सन जो है वो सिंग कर रहा है, वो गाना गा रहा है। इन द डिस्टेंस माई सोल, लेकिन जो मेरा दूर कहीं कोई पर्सन गाना गा रहा है, मे बी वो खुश होगा, लेकिन मेरा जो सोल है इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, मेरा जो आत्मा है, मेरा जो अंतरात्मा है वो अभी भी भरा नहीं, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, दैट इट हैज़ लॉस्ट हर, कि जो वो लड़की है, वो जो पर्सन है, वो मुझसे दूर चली गई है, मैंने उसे खो दिया है ना। सो माई हार्ट माई सोल स्टिल वॉन्ट्स हर, माई साइट ट्राइज टू फाइंड हर एज दो टू ब्रिंग हर क्लोजर, माई हार्ट लुक्स फॉर हर एंड शी इज़ नॉट विद मी। और जो मेरा जो साइट है, मेरी जो नज़रें हैं, मेरी जो आँखें हैं, वो उन्हें ही खोजती रहती है ना, ताकि एज दो टू ब्रिंग हर क्लोजर, कि मैं उनको अपने पास ला पाऊँ, है ना। जब आप अपने लवर से बिछड़ते हैं तो अक्सर क्या होता है कि आपको सब जगह पे अपना लवर दिखने लग जाता है, एक तरह से आप खोज रहे होते हैं कि क्या पता उस एंगल से निकले, क्या पता उस जगह से निकले, है ना, क्या पता वो पर्सन तो नहीं है ना। तो उसी तरह जो मेरी आँखें हैं वो हमेशा मेरे लवर को खोज रही है ताकि उनको मैं पास ला पाऊँ। माई हार्ट लुक्स फॉर हर, और मेरा जो दिल है वो भी उन्हीं को ढूंढ रहा है, एंड शी इज़ नॉट विद मी, लेकिन वो जो है लड़की वो मेरे साथ है नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम में। द सेम नाइट वाइटनिंग द सेम ट्रीज, वी ऑफ दैट टाइम आर नो लॉन्गर द सेम। और ये सेम रात है ना, द सेम नाइट जो वाइटनिंग द सेम ट्रीज, है ना, देखिए बर्फ़ गिर रहा है, सो जो ट्रीज़ है उन्हें उनके ऊपर वाइट 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 पूरा परत गिर रहा है। सो सेम राइट, ऐसा ही एक रात था वो भी जब हम साथ थे और जो ट्रीज़ है उनके ऊपर बर्फ़ गिर रही थी। वी ऑफ दैट टाइम, और हम जो उस टाइम पे साथ थे आर नो लॉन्गर द सेम, हम अब वो सेम इंडिविजुअल्स रहे नहीं, हम बदल गए हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं। आई नो लॉन्गर लव हर दैट सर्टेन, बट हाउ आई लव्ड हर, हाउ आई लव्ड हर, माई वॉइस ट्राइड टू फाइंड द विंड टू टच हर हियरिंग। और वो कहते हैं कि मैं उनसे अब प्यार नहीं करता ना, आई नो लॉन्गर लव हर, मैं उनसे अब और प्यार नहीं करता, ये तो पक्का है, दैट सर्टेन, बट आई लव्ड हर, बट हाउ आई लव्ड हर, लेकिन मैंने उन्हें कितना चाहा, कितना प्यार किया। माई वॉइस ट्राइड टू फाइंड द विंड टू टच हर हियरिंग, और उनकी जो आवाज़ है ना, देखिए विंड क्या करता है, विंड में जो है हवा में, हवा एक मीडियम की तरह है जहाँ पे मेरी आवाज़ जो है वो ट्रैवल करके आपके कानों तक जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पर्सन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उनकी हियरिंग है ना, माई वॉइस, मेरी जो आवाज़ है, ट्राइड टू फाइंड द विंड, वो उस हवा को पकड़ना चाहती है, उस हवा को वो फाइंड करना चाहती है, टू टच हर हियरिंग, जो हवा उनके कान तक लेके जाए, है ना। सो यहाँ पे भी हमारा जो पोएट है वो ये कह रहा है कि आई वॉन्ट कि वो मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरे जो व्यूज़ हैं, वो उनके कान तक पहुँचे, है ना। ही वॉन्ट्स टू टेल हर समथिंग, है ना, कि जो मेरी आवाज़ है वो उनके कानों तक पहुँचे। अनदर्स शी विल बी अनदर्स एज शी वॉज बिफोर माई किसेस, हर वॉइस, हर ब्राइट बॉडी, हर इनफाइनाइट आइज। तो वो कहते हैं किसी और की, वो मेरी लवर अब किसी और की हो जाएगी, है ना, एज शी वॉज बिफोर माई किसेस, जैसे कि मेरे किस करने से पहले वो किसी और की थी, ऐसे ही अब वो किसी और की हो जाएगी। हर वॉइस, हर ब्राइट बॉडी, हर इनफाइनाइट आइज, उनके वॉइस, उनकी आवाज़, है ना, उनकी ब्राइट बॉडी, उनकी सुंदर ब्राइट बॉडी, एंड उनकी जो इनफाइनाइट आइज है ना, अंतहीन आइज, जिनके अंदर आप खो जाते हो। आई नो लॉन्गर लव हर दैट सर्टेन, लेकिन इतना तो पक्का है कि मैं उनसे और प्यार नहीं करता, है ना, अब और उनसे प्यार नहीं करता, बट मे बी आई लव हर, बट शायद मैं उनसे अभी भी प्यार करता हूँ। लव इज़ सो शॉर्ट, फॉरगेटिंग इज़ सो लॉन्ग, और प्यार करना कितना छोटा होता है, कितना
कम टाइम का यू नो मैटर होता है, सेकेंडों में प्यार हो जाता है। बट फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग, लेकिन भुला देना, भुला पाना, उसमें वक्त लगता है, उसमें बहुत वक्त लगता है ना। बिकॉज थ्रू नाइट्स लाइक दिस वन आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स, माई सोल इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैट इट हैज़ लॉस्ट हर। और इसी आज के ही इसी रात की तरह मैंने कभी उन्हें अपने आर्म्स में पकड़ा था, मैंने उन्हें कभी हग किया था, और जो मेरा सोल है वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है ना कि उसने उन्हें खो दिया। दो दिस बी द लास्ट पेन दैट शी मेक्स मी सफर एंड दीज द लास्ट वर्सेज दैट आई राइट फॉर हर। तो वो कहते हैं, पोइट कहते हैं कि ये जो है यू नो ये लास्ट पेन है, आखिरी बार हो रहा है कि जो मेरी लवर है उनकी वजह से मुझे चोट लग रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है ना, आज के बाद वो मुझे और सफ़र फील नहीं कर सकती, मुझे और दर्द नहीं होगा। एंड दीज द लास्ट वर्सेज दैट आर राइट फॉर हर। और ये जो लाइन्स है, ये जो पोएम है, ये लास्ट पोएम है, लास्ट कुछ वर्सेज हैं जो मैं उनके लिए लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं उनके लिए और नहीं लिखूँगा। ओ हाँ, यहाँ पे जो है आपका पोएम कंप्लीट हो जाता है ना। तो देखिए जो पोएट है वो बेसिकली डिस्प्ले ये कर रहा है कि वो किसी से प्यार करता है ना, और वो पर्सन अब जा चुकी है, वो उसके साथ अब नहीं है, है ना। सो वो ग्रीफ फील कर रहा है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। एंड ये पोएम उसी चीज़ के ऊपर है कि अब जो है आज की रात जो है मैं अपनी सबसे सैडेस्ट लाइन्स लिख सकता हूँ, जो कि उसने लिख के दिखाया है ना। वो कहता है कि इवन दो वो जा चुकी है, मेरे मन के अंदर स्टिल वो है ना, मैं स्टिल उन्हें लाइक करता हूँ। बीच में वो इस जगह पे आते भी है जहाँ पे ही सेज कि अब मैं उनसे प्यार नहीं करता, बट देन लास्ट में उनको डाउट भी आ जाता है कि शायद मैं अब भी उनसे प्यार करता हूँ। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है ये फीलिंग्स जो है इतनी ईजीली जाती नहीं है ना। आपने अगर किसी से बहुत शिद्दत से प्यार किया है तो मन में रहता है, आपके माइंड में वो छाए रहते हैं, इवन दो आप लाइफ में मूव ऑन कर जाते, सी वो मेमोरीज़ का पार्ट है ना, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपके लिए प्रेशियस थे। तो आप एक डिफरेंट पर्सन तो अब हो नहीं है ना, वो मेमोरीज़ वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपके साथ रहने वाले हैं। सो किसी न किसी तरह से आपको ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनके साथ आपको जीना सीखना पड़ेगा ना, कि वो कड़वे नहीं हैं। हाँ, देर आर मोमेंट्स जो कि बाद में आई गेस आपको हर्ट करेंगे, बट यू नो लाइफ का नाम ही है मूव ऑन करना। आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ठीक है, दोनों की सहमति थी, या सामने वाला पर्सन जो है उसका कंसेंट नहीं था, जैसे भी, बट आप अंडरस्टैंड कीजिए और आगे बढ़िए। बिकॉज अपने आप में ही कोसते रहना, अपने आप में ही दुख फील करना, ये तो बहुत ही गलत बात है ना, आपको और डिस्ट्रॉय कर देगा। सो ठीक है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका जो वैल्यू है, आपका जो वर्थ है वो भी बहुत है, और कोई एक पर्सन के लिए ऐसे लाइक यू नो इतना अपने आप को बर्बाद कर लेना अच्छा तरीका नहीं है ना। यू ओ इट टू देम एंड टू योर सेल्फ कि आप जो है आगे बढ़े और बेटर करें, है ना, आज से बेटर आप हो पाए। इसी थॉट के साथ जो है मैं ये पोएम एंड करना चाहूँगा। पोएम पैब्लो नेरुडा का है ना, और पोएम का जो नाम है वो है टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स, है ना। जो ये पोएम है ये पोएम नंबर 20 है इनके कलेक्शन का, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना।